बंद से खुलते हुए की हाँ रुक जाओ एक मिनट दोबारा से हाँ कर लो करो बंद करो चलो ना। ओ भाई ये क्या गाड़ी बना दी यार मार दो ये तो बहुत चेंज कर दिया यार ऐसी नहीं है मेरी वाली आप बनाओ सर बहुत बढ़िया बहुत बड़ा सनरूफ है ये बहुत बड़ा सनरूफ और अच्छी है और इसमें सिर्फ ये शेड आ जाएगा नीचे ये सिर्फ हमें मतलब शीशा बंद करना है और ये वाला वैसे करना आ जाएगा हाँ हाँ इधर करना कि शीशे ऐसे खुलना है बस अब इधर बताओ इधर चलना है इधर चलना है इधर चलना नीचे अपने रियर एसी वेंट सब में स्टैंड टॉप टू बॉटम सब में एसी वेंट हेड सब डिस्प्ले 360 कैमरा और मुझे इधर दिया बड़ी लग रही है मेरे को पता नहीं क्यों ये अच्छा अंदर बैठने के बाद लोग कह रहे हैं हमें थोड़ी रोबस्ट सी लगती है मेरी वाली में ना वो स्पीड पता नहीं क्यों नहीं आ रहा भाई भारतीय है ना भाई इसमें सब कुछ चेंज कर दीजिए इसका स्टीयरिंग लाइट है अच्छा हमारे से लाइट है बहुत लाइट है वो है ही नहीं वो तो ऐसे लगता है ट्रैक्टर को यहाँ से नहीं चलना हाँ यहाँ से कुल्ला रोड मिल जाएगा तो बाहर आके देखें हेडसअप डिस्प्ले जी यार इसमें यार 360 कैमरा ही बहुत तगड़ा है इतनी क्लियर नींद मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी इतने नहीं पता चल रहा था इतना क्लियर है और इसका ना ये जो है स्टीयरिंग जो है इसका वो है नीचे से फैट बॉटम बहुत लाइट है यार ऐसा नहीं है मेरे वाले का उसका उसका नहीं है फर्क तो है ही बनाया गया था भी ऐसे तो ऐसा तो उसमें चलो वो तो अलग सा ही है बट बहुत धाजू बना दिया भाई इसका एसी वेसी ना ये कंपनी वाला हॉर्न ना एक ये इसमें क्या लिखा रहा है एनर्जी फ्लो का क्या है इसमें कॉन्सेप्ट ये स्मार्ट हाइब्रिड है थोड़ा सा अच्छा हाइब्रिड भी है ये अच्छा सारे वेरिएंट हाइब्रिड है सबसे पता बेस्ट पार्ट ये है तो इसकी जो बैटरी है जैसे तो बैटरी इसकी अपने आप मतलब इंजन ही चार्ज करता है ना बैटरी भी थोड़ी चलती है बड़ी बीच में ये ऐसा है कि बैटरी जो है वो एज अ फ्यूल काम करती है कुछ देर ना कुछ यार ये पूरा चेंज ही कर दिया इतना थोड़ा सा लग रहा है काफी बड़ी गाड़ी है सनरूफ की अलग ही फीलिंग है भाई यही फाइनल मजा है सनरूफ नहीं मिलेगी ना फिर किसी गाड़ी में अबे एचयूडी का बहुत बहुत सही इसका फील है इसमें देखना नहीं पड़ रहा हेडसअप डिस्प्ले ना SHVS तो पहले से आ रहा है ये माइल्ड हाइब्रिड ना स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है सारी गाड़ियां इसकी है ना वो पहले ही आता था अड्डी का वड्डी का मैं ब्रिजा में दे दिया इसका स्टीयरिंग बहुत लाइट है बहुत डिफरेंस है बाकी इंजन तो सेम है लेकिन अगर वैसे देखो पोजीशनिंग देखो ना तो पुराने जनरेशन में काफ़ी कुछ चेंज है भाई और इसमें ये कनेक्टर इसमें वो लग्जरियस वाला आ रहा है फुल फील ना इस पे इसकी माउंट कंट्रोल ब्रेक ना स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल ब्रेक ये ZXI प्लस है ZXI है ये ZXI प्लस है और ये कितने का पड़ेगा अगर आप मैनुअल लेते हो ये है 14,71,000 का 71 15 के आसपास ही मान लो है ना ये आप ऑन रोड ही बता रहे हो ना 14,00,000 की कतर अच्छा ठीक है इसमें क्रूज कंट्रोल भी है आपका और कंट्रोल तो जेड वेरिएंट में भी है और इसमें यहां पे मैं देख रहा हूं इसका ट्रैक्शन भी है है ना हां इसमें हिल डिसेंट कंट्रोल है ट्रैक्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम बोल रहे सब और हिल डिसेंट सब में चाहे मैनुअल हो चाहे अच्छा और अगर इसका 360 ऑन रखना चाहे हम लगातार गाड़ी चलाते टाइम भी इसका 360 ऑन रखना चाहिए हो जाएगा अब जब आप नॉर्मल जैसे आप वहां से चला रहे थे हाँ। कैमरा ही ऑन था उसमें देखो हां हां बट वो एक स्पीड लिमिट भी है अच्छा अच्छा नहीं होना चाहिए वो स्पीड कम होनी चाहिए उस कंडीशन में अच्छा काफी भी लाउड कर दिया बट सनरूफ ने पूरा लुक चेंज कर दिया ना गाड़ी का और ट्रैफिक है ज्यादा लोग सेंटर में देखते कि नई गाड़ी है थोड़ा सा उसी स्पीड से चलते रहेंगे कौन भी चाहिए और इसमें वो भी ऑटो ऑटो टेम्प ऑटोमेटिक हो जाएगा समझ गया
हेडसेट डिस्प्ले ना तो भाई बात ही लग कर एकदम कुछ नहीं देख, मैं कहीं अभी तक मैंने ये देखा नहीं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स का, सिर्फ मैं हेडसेट डिस्प्ले देख रहा हूँ। मतलब 14 लाख रुपए वर्थ है, ऐसे नहीं है कि आप एक्स्ट्रा दे रहे हो फालतू के। पीछे भी अभी एसी इतना तगड़ा चल रहा है ना इसका, ये पूरा बहुत अच्छा एसी चल रहा है पीछे, मतलब यहीं से हवा रही है आगे का, वही नहीं कि आगे का अपने मुंह की तरफ करो वो करो। मजा आ गया इतनी चेंज हो जाएगी क्या। इंजन तो वन वही सेम इंजन है, इसमें चेंज भी हुआ थोड़ा बहुत, सब कुछ सेम है। 105 हॉर्स पावर है, नहीं सॉरी 138 N टॉर्क, 104 PS की पावर है। ABS, CVD और ESP आप बता रहे हो, हेडसेट डिस्प्ले, हील होल्ड असिस्ट, चारों डिस्क है ना, डिस्क भी चारों है इसमें। हाँ लेफ्ट और ना सीधे चलते हैं, ठीक है ठीक है। हाँ मेन रोड पर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि गाड़ी में इंजन सेम है लेकिन इंजन भी रिफाइन कर रहे हैं, इंजन के अंदर आवाज़ नहीं आ रही कुछ भी आवाज़ नहीं। जैसे हमारी गाड़ी में ना थोड़ी थर्ड गियर में लगता है कि गाड़ी चल पड़ी है, इसमें वो नहीं आ रही, पता नहीं कि इंसुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया क्या कर दिया, इंजन की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। मेरी वाली में ना थर्ड गियर पे लगता है कि थर्ड में चल गई है, पर गियर 5 ही दिए इसमें है ना, अगर ये 6 कर देते ना तो भाई को और मजा आता। कितना एवरेज दे देगी वैसे, कंपनी क्लेम इसकी पहले से ज़्यादा कर रही है, 20 क्लेम कर सीधा। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे मोड है स्पीड वो जो होते हैं जैसे और गाड़ी में डायनेमिक मोड, ये सब नहीं नहीं है इसमें। अच्छा इसमें मोड की क्या जरूरत है यार, ये गाड़ी बहुत साइलेंट करती है, बहुत साइलेंट करती है। पागल नहीं है लोग इसको ले रहे हैं ऐसे, मतलब वो भी नहीं है कि फालतू में लोग गाड़ी भैया हम तो आराम से चलाएंगे, लोग टेस्ट ड्राइव में देखा है चलाते हैं ये फ्री किया, गाड़ी की रेस्पेक्ट तो करो। मैं तो वही कल और जिस चीज़ से प्यार करते हो आप उसी की ऐसी तेजी मार रहे हो खींच के, गलत बात है ना। खुद बताओ आप किसी से प्यार करते हो, कि भाई मुझे गाड़ी का शौक है और गाड़ी आप चाहे टेस्ट ड्राइव चला रहे हो रगड़ के फटाफट मार रहे हैं, मैंने देखे यूट्यूब पर वीडियो देखे लोगों के, गलत बात है यार, प्यार करते हो रेस्पेक्ट करो, ये थोड़ी कि हर बंदा रेसर ही थोड़ी बनाता है गाड़ियों को, वो तमीज़ से भी चलाता, फ्री की है कंपनी की है तो व्हीकल ये थोड़ी के फीस दो इसको गरीब को, इसकी गलती प्यार सरने वाली चीज़ यार ये। और इसमें यहीं पे कंट्रोल तो सारे हैं इसके ना, मज़ा आ गया थी सही बता रहा हूँ कसम से, मैं भूल ही गया कि हम अर्टिगा देखते हैं, अरे दिमाग आउट होगा ये सनरूफ देखते हैं। तो अर्टिगा में इस बार नहीं है, अर्टिगा XL6 में है सनरूफ किसी में भी? अच्छा पहला है मारुति का सेगमेंट गाड़ी है, पहली बार मारुति निकाली है और हद कर दी भाई मारुति ने, बातचीत बना दी कसम से, कहीं खाली रोड नहीं मिलेगी पड़ी है ना, नहीं नहीं सही चलती है, यहीं से लेफ्ट यहीं तो आई हूँ, बत्ती से लेफ्ट, ठीक है। और इंजन बहुत चेंज कर दिया है, थोड़ा सा लग रहा है कि भाई काफ़ी मतलब बातचीत बना दी है, ये वाला एरिया भी इंक्रीज करा है, ये जो होता ना स्ट्रेंथ भी बढ़ाई है गाड़ी के, भी आपको बिल्ड वोल्ट दिखाऊंगा चल के, आपको तो बोला कि हाँ भाई आप ये ऑटो फोल्ड ये ना ये देख बंद हो जाते हैं, जो भी देखो सब कुछ ही है, मतलब हमारे में अलग से कंपेयर कर रहे हैं। कोई सा व्हीकल हो या कोई सा व्हीकल हो उसको इज्जत से चलाओ, बात खत्म, ऐसे चलाते लोग भाई, मतलब बहुत अच्छी लगी मुझे वो गाड़ी, मैंने कोई बंदा ढंग से गाड़ी चलाता देखा ही नहीं, पीछे लुक का पीछे लुक भी ना से भी बहुत तगड़ा है इसका भाई, बहुत चेंज क्योंकि ना ये इतना बड़ा कर दिया ना, लग रहा है भाई किसी गाड़ी में बैठे हैं, इसमें ये भी तो है कि थर्ड गियर में अगर मैं चला रहा हूँ ना, जैसे मैं चलाता हूँ अपनी वाली को, उसमें गियर चेंज करने का इतना रिक्वायरमेंट आता नहीं है, जो की बात है। हाँ भाई
ठीक भाई जी, सनरूफ वाली बात अगर है, अगर सनरूफ लेनी है तो भाई से कर लो, क्योंकि मारुति ने सनरूफ इतने साल बाद लाई है तो सोच समझ के लाई होगी, वरना मारुति वाले भाई बिल्कुल दिमाग से चलते हैं एकदम। वर्थिट है सभी, मतलब 14 लाख रुपए वर्थिट है, एक्स्ट्रा नहीं है। तो जिस जो फीचर्स है इसमें, इसमें हेडसेट डिस्प्ले को हम बंद नहीं कर सकते मेरे ख्याल से, तो हाँ बंद हो जाता होगा, हाँ दबा कर रखो तो बंद रखो। भाई ये होती है ना बातचीत, तो बना दी ना भाई गाड़ी, और कह रहा था नाम बना दिया, खुली लग गई ना सनरूफ के बाद भाई, बहुत बढ़िया है। एसी इतना तेज चल रहा है इसका, ओके टेम्परेचर है ना 20 पे चल रहा है, वायरलेस चार्जिंग ये वो। ये मैं देखना चाह रहा था जैसे मैंने खड़ी करी, मैं खड़ी कर दूँ वहीं पे लगा तो ड्राइवर लगा लेगा, ये उसकी गेट के आगे लगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं आप किधर भी लगा दो, ड्राइवर अपने आप लगा।